अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा चैनल आप तक हमेशा ऑथेंटिक और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पहुँचाता है, और आज का हमारा टॉपिक है कोरोना वायरस। आज के टॉपिक में मैं कवर करूँगा तो इंट्रोडक्शन ऑफ द कोरोना वायरस, इसके इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ, खासतौर पर जो COVID-19 है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, और इसके ट्रांसमिशन यानी कि इसके फैलने का क्या तरीकाकार है, किस किस तरह से ये फैल सकता है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि कौन से लोग ज़्यादा रिस्क पर हैं, या ऐसे लोग कौन हैं या कौन हो सकते हैं जिनकी जान को ज़्यादा खतरा हो सकता है इससे, क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो हर किसी के लिए ख़तरनाक नहीं है हर किसी भी, तो आपने पैनिक नहीं होना या परेशान नहीं होना। कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं किसी भी इंसान में अगर उसको कोरोना वायरस है, तो देन फिर हम डिस्कस करेंगे कि इसके डायग्नोस्टिक के क्या तरीकाकार हैं, या इसके कौन से टेस्ट हैं जिनके थ्रू हम टेस्ट करवा के पता चल सकता है कि हमें कोरोना वायरस है भी या नहीं। देन फिर हम डिस्कस करेंगे कि ट्रीटमेंट्स क्या ऑप्शंस अभी तक अवेलेबल हैं इसके लिए, और पाकिस्तान में क्या क्या ऑप्शंस हैं जिन पर काम किया जा रहा है, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि हम इससे बच किस तरह सकते हैं या क्या ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं कि जिनके थ्रू हम इससे बच सकें। एक्चुअली कोरोना वायरस कोई न्यू वायरस नहीं है, ये पूरी फैमिली का नाम है वायरसेस की, जिसमें से कुछ वायरस पास में भी काफ़ी ज़्यादा इस तरह की प्रॉब्लम जनरेट कर चुके हैं, जिनमें से एक नाम था सार्स जो कि 2003 में आया चाइना में, उसके बाद 2012 में मर्स के नाम से वायरस आ चुका है जो कि मिडिल ईस्ट में आया था, और इस तरह अब चाइना से ही दोबारा शुरुआत हुई है COVID-19 की नोवल कोरोना वायरस। इसका नाम COVID-19 इसलिए रखा गया है कि ये 2019 में जो है डिस्कवर हुआ। अच्छा, वायरसेस याद रखिए, हमेशा वायरसेस को ज़रूरत होती है होस्ट की, जब तक उन्हें होस्ट नहीं मिलेगा वो अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। होस्ट हो सकता है ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी, जैसे कि अब लेटेस्ट रिसर्च में नज़र आ रहा है कि जानवरों में भी ये पाया जा रहा है। अच्छा, वायरसेस जो होते हैं, देखिए ये एक ऐसी मखलूक है जो कि हमारी बॉडी में भी ऑलरेडी मौजूद होती है, एनवायरनमेंट में भी मौजूद होती है। तो वायरसेस जो हैं ये ऐसे लोगों के लिए कभी भी ख़तरनाक नहीं होते जो स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी रखते हों, जैसे कि हमें नॉर्मली भी अक्सर इन्फ्लुएंजा या फ्लू वायरसेस होते रहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में डिफरेंट टाइप के वायरसेस हैं, लेकिन हमारे लिए कभी ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होते सिवाय कुछ लोगों के। इसी तरह कोरोना वायरस भी या COVID-19 भी, जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है उनके लिए हरगिज़ भी ख़तरनाक नहीं होगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ऐसे लोग जिनको पहले से दूसरी बीमारियाँ हैं, लाइक शुगर है या हार्ट डिजीज़ है या लंग्स या किडनी डिजीज़ है, तो उनके लिए ये ख़तरनाक हो सकता है। ऐसे लोगों ने बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी होगी। इनका जो ओरिजिन है वो है एनिमल्स, यानी कि ये एनिमल्स से जो है इसकी शुरुआत हुई। सार्स की बात कर लें जो 2003 में आया था, उसकी भी यही हिस्ट्री है, मर्स की हिस्ट्री भी यही है, और अब जो है रिसेंट जो COVID-19 है इसकी भी यही हिस्ट्री मिल रही है। अभी तक की रिसर्च के मुताबिक ये एनिमल्स से ही स्प्रेड हुआ है टूवर्ड्स ह्यूमन। इसकी शुरुआत हुई है चाइना के शहर वुहान से, और देन फिर वहाँ जो है एक खास किस्म की फूड मार्केट थी, गोश्त की मार्केट थी, वहाँ से ये वहाँ के वर्कर्स में स्प्रेड हुआ, उनसे फिर उनकी फैमिलीज़ में पहुँचा, और फिर जब ये ही लोग पेशेंट के तौर पे हॉस्पिटल्स में गए तो फिर वहाँ से हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में भी बहुत बड़ी तादाद में स्प्रेड किया इसने। ट्रांसमिशन कैसे होती है इसकी, कैसे ये जो है फैलता है, अभी तक की रिसर्च कहती है या अभी तक जो साइंटिस्ट कह रहे हैं वो ये है कि इसका जो मेन ट्रांसमिशन है वो होता है ड्रॉपलेट्स के थ्रू। ड्रॉपलेट्स से मुराद हमारे मुंह से जो किसी भी किस्म का सलाइवा के ड्रॉपलेट्स बनते हैं, या इवन के नेज़ल ड्रॉपलेट्स, इवन के आई सिक्रीशंस, ये जो है ड्रॉपलेट्स की शक्ल में ट्रांसमिट हो सकता है, ख़ास तौर पे सरफेसिस पर या हमारे कपड़ों पर, हमारे बॉडी पार्ट्स पर। एहतियात क्या करनी है, बचना कैसे है हमें इससे, तो देखें सबसे ज़्यादा जो मेजर बात है वो ये है कि आप कोशिश तो ये करें कि अपने घर से बिना ज़रूरत निकले ही नहीं, और घर का कोई एक फर्ज जो है वो ही बाहर आना जाना करें, अगर किसी किस्म की कोई ज़रूरत है, कोई राशन लाना है या कोई सामान लाना है, और वो घर से निकलते वक्त मास्क ज़रूर करें, हाथों पर ग्लव्स पहन कर जाएं, और देन फिर जब वो बाहर जाएं तो कोशिश करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। सोशल डिस्टेंसिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 2 मीटर का फासला रखना है आपने किसी भी दूसरे इंसान से, ताकि किसी किस्म का कोई ड्रॉपलेट आप तक ना पहुँच सके, किसी किस्म का कोई कॉन्टैक्ट ना हो सके आपका उनसे। उसके अलावा ये है कि जब आप बाहर गए हुए हों तो कोशिश कीजिए कि नाक कान मुंह को हाथ ना लगाएं, इसलिए कि बाहर आप हो सकता है कि कैरी कर रहे हों वायरस को किसी भी वजह से। और जो है जब आप वापस आएँ, घर वापस जब अपने पहुँचें, तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आप अपने पूरी बॉडी को डिसइंफेक्ट करवाएं किसी भी स्प्रे से, घर में एक डिटोल का स्प्रे बना लें, ब्लीच का स्प्रे बना लें, और उससे अपनी बॉडी को जो है वो आप डिसइंफेक्ट करो। अपने ग्लव्स जो है वो उतार कर फेंक दीजिए बाहर ही, हाथों को फिर घर पहुँच कर कम से कम 20 सेकंड के लिए आपने साबुन से वॉश करना है, धोना है। साबुन से वॉश कर लेना ज़्यादा बेहतर है किसी भी किस्म के सैनिटाइज़र को इस्तेमाल करने से, और देन अगर हो सके तो नहा लीजिए जाकर बाहर से आने के बाद, वो सबसे ज़्यादा बेहतर है।
मज़ीद एहतियात जो आपने करनी है वो ये कि आपने कफ हाइजीन मेजर्स को फॉलो करना है। कफ हाइजीन मेजर्स क्या होते हैं, यानी कि जब आपको छींक आ रही हो, किसी भी वजह से आ रही हो, खांसी आ रही हो, तो आपने कोशिश करना है कि किसी किस्म के किसी टिशू का इस्तेमाल करें, मुंह पे प्रॉपर तरीके से रख के ढाँक कर फिर छींकें फिर खांसें। और अगर किसी वजह से आपके पास ऐसा कोई टिशू या कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है तो अपनी एल्बो में आपने यानी कि अपनी कोहनी के अंदर मुँह देकर खांसना और छींकना है, ताकि आपके ड्रॉपलेट्स एक से किसी दूसरे इंसान तक ना पहुँचें। इसलिए कि इसमें आपने सिर्फ अपने आप की केयर नहीं करनी बल्कि पूरी सोसाइटी की केयर करनी है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए कि ये एक से दूसरे इंसान को बहुत तेज़ी से फैलता है। डायग्नोसिस कैसे होगी, इसका टेस्ट कैसे होगा, कंफर्म कैसे होगा कि किसी इंसान को कोरोना वायरस है भी या नहीं, बहुत सारी अलामत ऐसी हैं इसमें जो कि किसी भी नॉर्मल नज़ले ज़ुकाम खांसी में हो सकती हैं, तो कन्फर्म करना बहुत ज़रूरी होता है। कन्फर्म करने का जो टेस्ट है, जो ऑथेंटिक टेस्ट है, वो कहलाता है PCR। PCR यानी कि पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन का एक आप सेल्फ या पर्सनली घर पर भी टेस्ट कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल अभी रिसेंटली जो है समझ लेंगे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आई है, क्योंकि ये खुद भी एक नई डिजीज़ है अभी तक के लिए दुनिया के लिए। रिसेंट इन्फॉर्मेशन या करंट इन्फॉर्मेशन आती रहती है टाइम बाई टाइम। इसका जो सेल्फ टेस्ट आप कर सकते हैं घर पर, जो अब तक के लिए काफ़ी हद तक ऑथेंटिक कहला रहा है, वो है एनोसमिया। एनोसमिया कहलाता है। एनोसमिया का मतलब ये होता है कि टेस्ट में चेंजेस आ जाना या आपकी जो सेंसेस हैं उनमें चेंजेस आ जाना। मोस्टली पेशेंट्स में ऐसा होता है कि इनिशियली टेस्ट की जो आपकी फीलिंग है वो चली जाती है, लाइक और समटाइम कुछ पेशेंट्स में तो ऐसा भी है कि उनको स्मेल की फीलिंग भी जाती रहती है। थोड़ा सा नमक ले लें और थोड़ा सा चीनी ले लें और दोनों को जो है वो बारी बारी जुबान पर टेस्ट करके देखें, टेस्ट करके देखें, और टेस्ट करके अगर आपको लगता है कि जो है दोनों का टेस्ट आप प्रॉपरली फील कर सकते हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि आपको कोरोना वायरस नहीं है इंशाल्लाह। इसकी जो प्रॉपर सिम्टम्स हैं वो जनरेट होने में 1 से 14 दिन तक लग सकते हैं किसी भी एक इंसान में अपीयर होने में। अच्छा, इसकी जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो है कफ, फीवर, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग यानी कि आपको खांसी हो सकती है, बुखार हो सकता है और सांस लेने में दुश्वारी होना। लेकिन ये एक से दूसरे इंसान में वेरी कर सकती हैं। कुछ लोगों को इसमें पेट का दर्द या मतली आना भी महसूस होता है, और जो बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस होते हैं उनमें लोगों को नमूनिया भी हो रहा है, इवन के किडनी और लंग्स की डिजीज़ भी या किडनी और लंग्स में प्रॉब्लम महसूस हो रही है। और इसकी जो सबसे ज़्यादा सीवियरिटी कह लें या सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मामला है वो है कि इससे डेथ भी होती है। लेकिन आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत हरगिज़ भी नहीं है, इसलिए कि इसका डेथ रेट बहुत कम है। जैसे कि किसी भी दूसरी बीमारी का डेथ रेट हो सकता है, तो इसका भी डेथ रेट बहुत कम है। इसके लिए आपको हरगिज़ भी परेशान नहीं होना है किसी भी परेशानी की सूरत में। अगर आपको लगता है कि आपको किसी किस्म की कोई इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो गवर्नमेंट की हेल्पलाइन मौजूद है। आपने गवर्नमेंट की हेल्पलाइन पर कॉल करके अपने शकों को शुमार उनसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको हल्की फुल्की किसी किस्म की जो है सिम्टम्स आ रही हैं, आप किसी किस्म का पैनिक जनरेट करते हुए हॉस्पिटल की तरफ ना भागें। इसलिए कि हॉस्पिटल में खुद भी इस तरह के काफ़ी पेशेंट्स मौजूद हो सकते हैं जिनसे आपको खतरा हो सकता है कि आप उनसे वायरस कैच कर लें। अभी तक जो है इसका कोई इंटरनेशनली अप्रूव कोई इलाज इजाद नहीं हुआ और ना ही अभी तक कोई वैक्सीन इसके लिए इजाद हो सकी है। हाँ, इनके ऊपर काम जारी है, इनके ऊपर रिसर्चेज भी जारी हैं, लेकिन अभी तक कोई इंटरनेशनली अप्रूव ट्रीटमेंट नहीं कहला सकता। डिफरेंट किस्म की अप्रोचेज दुनिया के डिफरेंट हिस्सों में की जा रही हैं, लाइक कुछ मुल्कों में anti-HIV ड्रग्स का भी इस्तेमाल हो रहा है इसके ट्रीटमेंट के लिए। बहुत सी जगहों पर इंक्लूडिंग हमारे मुल्क में भी anti-malarial ड्रग्स भी यूज़ करवाई गई हैं और एंटीबायोटिक्स भी यूज़ करवाई जा रही हैं। अभी रिसेंटली हमारे मुल्क में एक और इसके ऊपर जो है वो ट्रीटमेंट अप्रोच स्टार्ट की गई है, जिसको हम प्लाज्मा थेरेपी भी कहते हैं। इसमें होता यह है कि ऐसे हजरात जिनको पहले बीमारी हुई या ये प्रॉब्लम हुई या ये वायरस इन्फेक्शन हुआ और वो ठीक हो गए, उन्हीं पेशेंट का प्लाज्मा लिया जाता है उन्हीं लोगों का और फिर ऐसे लोगों में ट्रांसफ़र किया जाता है या ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है जो कि बीमार हैं। तो उससे उम्मीद कर सकते हैं हम इंशाल्लाह कि हमारे यहाँ इसमें अच्छे रिजल्ट्स आते हुए नज़र आ रहे हैं और इंशाल्लाह ये जो है हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसा कि हम सब मुसलमान हैं और हमारा ईमान है अल्लाह ताला की ज़ात पर और हमारा यकीन है कि हमारे ऊपर किसी भी किस्म की बीमारी या तकलीफ जो भी आती है, इवन के हम किसी किस्म के अच्छे हालात देखते हैं, तरक्की देखते हैं, इज्जत देखते हैं, तो सब जो है अल्लाह ताला की तरफ से आता है हमारे ऊपर। तो कोशिश कीजिए कि 5 वक्त की नमाज का अहतमाम ज़रूर करें, ज़रूर करें। दूसरा, इसके अलावा रोज़ाना गुस्ल कीजिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही हमें एक बहुत प्यारा जो है वो फार्मूला बताया, और वो फार्मूला ये है कि आप कलौंजी का इस्तेमाल करें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, स्याह दाने यानी कि कलौंजी में मौत के अलावा तमाम अमराज की शिफा है। अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कलौंजी का इस्तेमाल बढ़ा दीजिए। कलौंजी जो है ये हमारी इम्यूनिटी और जिस्म के दिफाई निज़ाम को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। जहाँ ये और बीमारियों का इलाज है, वहाँ ये मौजूदा फैले हुए मर्ज़ का भी बेहतरीन इलाज है। कलौंजी को इस्तेमाल करना बहुत
बहुत आसान है। कलौंजी को आप अपनी रोटी के साथ इस्तेमाल कर लें, अपने आटे में मिक्स कर लें, अपनी इवन के चाय जो बना रहे हो चाय के साथ इस्तेमाल कर लें, पानी के साथ इस्तेमाल कर लें, गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए, नीम गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि आप रोज़ाना भाप लें, ठीक है जी, भाप लें, भाप लेना भी बहुत फ़ायदेमंद है। और इन सब के साथ साथ दुआ का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, दुआ का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। दुआ अल्लाह ताला से जितनी मांगें वो कम है, अल्लाह ताला जो है वो दुआएं सुनता है। और हमें हमेशा जो है अल्लाह ताला से बेहतरी की उम्मीद करनी चाहिए और परेशान होने की ज़रूरत हरगिज़ भी नहीं है। मिस इन्फॉर्मेशन पर ध्यान ना दें, लोग बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं और फैलाई जाती हैं, ऐसे हालात में हमेशा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है। गवर्नमेंट की जो ऑथेंटिक वेबसाइट है या गवर्नमेंट का जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सेंटर्स बने हुए हैं वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। WHO की भी जो है प्रॉपर वेबसाइट मौजूद है इससे रिलेटेड, वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको सारी की सारी वहाँ से भी। और मैं जो है यहाँ पर आपको लिंक भी नीचे शेयर कर दूँगा इसके बारे में, WHO के भी और जो है जो गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उनकी भी, और गवर्नमेंट का हेल्पलाइन नंबर भी मैंने मेंशन कर दिया है। तो जो है आपको किसी किस्म की कोई भी शकूक व शबहात हो तो प्रॉपर ऑथेंटिक जो है समझ लें जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है तो वहाँ आपने अप्रोच करना है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो या मेरी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप तक पहुँचाई है पसंद आई हो तो हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। हमारी कोशिश होती है कि हमेशा अपने व्यूअर्स को प्रॉपर ऑथेंटिक और कन्फर्म न्यूज़ पहुँचाएँ, किसी किस्म की मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाना चाहते हम। और इंशाल्लाह आपको फ्यूचर में भी ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और ऐसी बहुत सारी जो है वो मालूमात मिलती रहेंगी।